नमस्कार। काम चल रहा है पर दौड़ नहीं रहा है। बहुत से लोग सर मुझे यही कहते हैं कि सर यार हमारा काम चल रहा है, सारे सब कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन जो गति होनी चाहिए काम की वो नहीं, काम दौड़ नहीं रहा है। आखिर क्या करें कि काम हमारा, जो हम जो भी वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो तेजी से बढ़े, ग्रोथ अच्छी हो, उसके लिए क्या करें। बात सही है, बहुत से जनों का अधिकतर लोगों के काम चलता रहता, लेकिन उस बिजनेस की ग्रोथ नहीं होती, उसका लेवल स्लो होता है। हाँ, इतना हो जाता है कि उनका घर परिवार मेंटेन हो जाता है और सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो उनको बुलंदियाँ छूनी होती है ना, वो नहीं छू पाते। ये शिकायत अधिकतर लोगों की रहती है। आखिर अपने बिजनेस को टॉप लेवल पर कैसे पहुंचाएं? ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से और अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। कोई ज्यादा विशेष रीजन नहीं है, सीधे सिंपल है। पहला, सब कार्य कर रहे हैं, सब जो बिजनेस कर रहे हैं वही बिजनेस आप कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से करना होगा। वही कार्य सब कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, 10 जन सेम वर्क कर रहे हैं, लेकिन उन 10 जनों में से उस वर्क को आपको अलग तरीके से करना होगा, तभी कस्टमर आपसे जुड़ेंगे, तभी कस्टमर बेस आपके पास आएगा। आप कहोगे सर 10 ही जन सेम वर्क कर रहे हैं, तो फिर और सभी वही कर रहे हैं तो हम अलग कैसे करें? बिल्कुल, आपको अलग करना होगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूंगा, जियो। जियो जब मार्केट में आए था तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी। जियो को पता था कि मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ, कंपटीशन बहुत है, लेकिन उसका जो स्ट्रेटेजी थी डिफरेंट थी। बहुत से कंपटीटर सेम वर्क कर रहे थे। जियो की एंट्री हुई, आपको पता है जियो की एंट्री हुई, आप सभी जानते हैं कैसे हुई। स्टार्टिंग में 6 महीने जियो ने अपने हर चीज फ्री दी, ये उसकी पहली स्ट्रेटेजी थी। सेकंड, जियो ने वहां वहां अपने नेटवर्क पहुंचाए जहां दूसरी कंपनियां नहीं थी। जियो ने 2 चीजों पर जोर दिया, पहला स्टार्टिंग में फ्री देना, सेकंड ऐसी जगह नेटवर्क पहुंचाना जहां दूसरी कंपनियों का नेटवर्क नहीं था। अधिकतर कंपनियां शहरों में मजबूत थी, गांवों में कमजोर थी, उनका नेटवर्क गांव में कमजोर था। जियो ने सबसे पहले गांवों को टारगेट किया, गांवों में अपने नेटवर्क को मजबूत किया, और यही स्ट्रेटेजी जियो के काम आई। और बहुत कम समय में जियो सबसे नंबर 1 कंपनी बन गई टेलीकॉम सेक्टर में। तो यही वर्क है। जियो ने कुछ अलग किया, समथिंग डिफरेंट किया, तो आज जियो टॉप लेवल की पोजीशन पे आई। तो आप भी कंपटीटर के जमाने में हो, सब कुछ सेम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको वही कार्य करना है, लेकिन अलग तरीके से करना है। अगर आप 10 जने वो कार्य करें, आप भी वही करें, लेकिन अगर आप उस कार्य को अलग तरीके से करेंगे ना, तो आपकी ग्रोथ उन 9 जनों से बेटर हो जाएगी और आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे, डेफिनेटली। सेकंड, दूसरा रीजन है कि या फिर आप ऐसे फील्ड में जाएं जहां पर कंपटीशन कम हो। अगर आपको लगता है कि यार मेरी स्ट्रेटेजी में कुछ अलग नहीं बना रहा, मैं कहीं अलग नहीं कर पा रहा हूं, तो आप ऐसा करो कि ऐसे फील्ड चुनो जिसमें कंपटीशन कम हो, वहां कोई ना हो। आपको पता है शुरुआत में स्विगी और जोमेटो आए, कोई कंपटीशन नहीं था, फूड डिलीवरी करना कोई नहीं करता था, ये कंपनियां मार्केट में उतरी और कोई कंपटीशन नहीं था, और ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने अपना बिजनेस फैला दिया। कैसे? बस कंपटीशन नहीं था। आपको बिजनेस में अगर महारत हासिल करनी है, कुछ नया करना है, तो ये 2 चीजें आप कर लेना, या तो जिसमें कंपटीशन नहीं हो उस क्षेत्र में उतरना, या फिर सभी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि 10-15 जने सेम बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको भी उसी फील्ड में जाना है, लेकिन आप उस कार्य को अलग तरीके से करना। अगर उस वर्क को अलग तरीके से करोगे ना, तो आपकी ग्रोथ जल्दी होगी और आप जल्दी आगे बढ़ पाओगे।